प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जिसे हर महीने हजारों की वेतन मिलती है लेकिन इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। आलम यह है कि उसके द्वारा लोगों को बीपीएल कार्ड बनवाने का आश्वासन दिया जाता है और बदले में दलाली भी वसूली जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह अधिकारियों के फर्जी सील और साइन करते हुए आदेश बना कर दे देता है, कई बार पंचायत कार्ड भी जारी कर देती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मैहर जिले के रामनगर विकास खंड से। यहाँ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय तेंदुहा में पदस्थ शिक्षक राकेश कुमार निगम पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर दिया और फोन पे के माध्यम से 2500 रुपए भी वसूल लिए। इस मामले को लेकर अब एसडीएम रामनगर डॉक्टर आरती सिंह से शिकायत की गई है, जिसके बाद टीम इस प्रकरण की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि रामनगर के तेंदुहा विद्यालय में पदस्थ शासकीय शिक्षक राजेश कुमार निगम के द्वारा सुनील तिवारी पिता गया प्रसाद तिवारी निवासी भमरहा को बीपीएल कार्ड बनवाने का आश्वासन दिया था, जिन्ना नायब तहसीलदार के माध्यम से एक पत्र शिक्षक ने जारी किया जिसमें पात्रता प्रमाणित की गई। 20 फरवरी 2024 को यह कथित आदेश जारी कर दिया गया, जिसके बाद सुनील तिवारी के द्वारा फोन पे के माध्यम से पैसे दिए गए। वहीं ग्राम पंचायत को आदेश उपलब्ध कराकर कार्ड जारी किया गया। शिक्षक ने इस आदेश को पात्र बताया और ग्राम पंचायत ने कार्ड जारी कर दिया। उस आदेश के आधार पर बीपीएल कार्ड में हस्ताक्षर कराने के लिए सुनील तिवारी तहसीलदार के पास पहुंचे। जब उन्होंने आदेश की कॉपी देखी तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने रिकॉर्ड से मिलान किया जिसमें उक्त पत्र दिनांक और क्रमांक का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। फर्जी आदेश का हवाला देकर जब तहसीलदार ने हस्ताक्षर नहीं किए तो सुनील तिवारी को ठगे जाने का एहसास हुआ। शिक्षक द्वारा मात्र 2500 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले की शिकायत अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। बताया जाता है कि शिक्षक ने फर्जी बीपीएल आदेश बनाने के नाम पर दो बार में फोन पे से पैसे लिए थे। शिकायतकर्ता ने इस मामले से जुड़े सभी साक्ष्य अधिकारियों को सौंप दिए हैं। ये मैं भमराह गांव का हूँ, मेरा नाम सुनील कुमार तिवारी है और मेरे गांव के ही एक शिक्षक हैं राकेश कुमार निगम, जो मंचेसर में उनका घर है और शासकीय प्राथमिक चेंदुहा स्कूल में वो प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है और वो बीएलओ भी वो निर्वाचन काम के सिलसिले में रामनगर आया जाएगा। हमको राशन कार्ड बीपीएल का राशन कार्ड बनवाने के लिए बहुत दिन से प्रयासरत थे, हमने प्रयास भी किया बहुत, तो उनके संज्ञान में ये बात आई तो हमसे मिले हुआ थे और वो बोले कि आपका राशन कार्ड बनवाना है तो आप हमको अपना कागज़ और ये फार्म में दस्तखत करके फ़ोटो आप दे दो और कुछ पैसे लगेंगे तो कुछ पैसे आप दे देना। 2500 रुपये की बात हुई थी मेरे ऊपर, वो खुद ही बोले कि वहाँ खर्चा लगता है आने जाने में और कुछ देना लेना पड़ता है। तो मैं उनको 2000 रुपये अपने फ़ोन पे के माध्यम से उनके फ़ोन पे में किया, एक बार दो बार 1000 करके। तो उन्होंने फरवरी महीने में एक राशन कार्ड का आदेश जारी करवा के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने मोबाइल से सेंड किया। तो मैं उस आदेश को निकलवा के और अपने पंचायत में गया सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब के पास, तो उनसे आग्रह किया कि ये मेरा आदेश हो चुका है तो मेरा राशन कार्ड जारी कर दें। उन्होंने उस आदेश के तहत उस राशन कार्ड को मेरा राशन कार्ड जारी करके दिया, क्योंकि उसमें तहसीलदार साहब के दस्तखत नहीं थे और उस राशन कार्ड को मुझे ज़रूरी था, मुझे यार एडमिशन कराना था अपनी बच्ची का, तो मैं सोचा शायद उससे कुछ लाभ हो जाए, इसलिए मैं खुद ही उस राशन कार्ड को लेकर के तहसीलदार महोदय से दस्तखत कराने के लिए तहसील आया। तो तहसीलदार साहब जब उस आदेश को देखे तो उन्होंने जाँच किया अपने वहाँ फाइल वाइल निकलवाए तो उसमें मेरा कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे उन्होंने बोला कि आपका आदेश जो है तो सही नहीं है, कि फर्जी तरीके से आदेश बना हुआ है, ये मेरे इसमें मेरे सिग्नेचर नहीं है। तो मुझे मतलब लगा कि ये फर्जी आदेश है, इसलिए मैं परेशान हूँ और इस तरह से मेरे साथ राशन कार्ड बनवाने के नाम से धोखाधड़ी हुई है। कहाँ शिकायत की है आपने अभी तक? हमने अभी SDM महोदय को एक आवेदन दिया है और तहसीलदार साहब से भी मिले हैं और अब हम थाने में भी एक आवेदन देने जा रहे हैं जी, और जैसा भी होगा आगे हम मैहर कलेक्टर को आवेदन देंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी मुझे आवेदन देने की, मैं आवेदन वहाँ करूँगा।
सकता है। ये एक शिकायत आई थी व्यक्ति की, भमराहा गांव का मामला है, जिसमें वो ऐसा क्लेम कर रहा है कि ये जो बीपीएल कार्ड उनका बना है वो जब तहसील में लेके आया तो फर्जी बना है या फर्जी सिग्नेचर करके बना हुआ है। तो इस मामले में हमने नायब तहसीलदार जिन्ना और टीआई साहब को लिखा है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और अगर फर्जी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।